टेल टेल आ गया भाई, मैं जीत गया। रुक रुक रुक, कॉइन ठीक से गिरा नहीं, थप्पड़ मारूंगा, दोनों कान एक तरफ हो जाएंगे। ला बैट ला। अमरे अगर तू मर्द है, एक ही बाप का बेटा है, तो बैटिंग माला दे। क्या मुन्ना कर ले बैटिंग, चल बेटा बॉलिंग कर। हाँ टाकरे, अरे क्या हुआ अंकल, क्यों रुक गए? अमन प्रोफेशनल बैट्समैन है। ओए तू पोज ही मारता रहेगा, शॉट भी मारेगा। छोटे थोड़ा पीछे खड़ा हो जा, नहीं तो फटका बैठा ना तो तू भी बाउंड्री के बाहर। कोई बात नहीं अंकल, खेलो तो सही। पाव किलो कोमड़ी यौदे। अरे अरे क्या चवनी ढूंढ रहे हो क्या सर, बॉल नहीं मारी जाती। चल आया प्रोफेशनल बैट्समैन। अबे क्रिकेट बैट से कहते हैं, गाल से नहीं, इसे कहते हैं बॉलर की पप्पी। अरे भाई कंट्रोल नहीं हो रहा। बैट्समैन अंडरआर्म डालू क्या, वो तो खेल पाओगे ना। अंकल जी बगीचे की सैर करो, मजा आया। हाँ बेटा सही कहा, बहुत अच्छा मौसम है। मैगी। इसे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। अच्छा हुआ बैट अंकल जी की गोद में गिरा। ऊपर देख ना भाऊ, पहले तो सर पे गिरा फिर गोद में गिरा। ओ नो नो अंकल जी, अंकल जी आप ठीक है? सो सॉरी अंकल जी, ओ गॉड। मुझे लगा बैट मैगी को लग जाएगी। अरे मुझे उतनी दूर से क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बैट बुड्ढे के सर में गिरने वाला है, और तू इधर खड़ा रह के देख नहीं पाया। ए, तू इतना सीरियस क्यों है? डटपक गया तो? ओ, पुलिस केस वो तो चलेगा, लेकिन फाफड़े का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। लग इन करना ही उसके लाइफ का मकसद है। बस हमारे पप्पा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे खानदान में कभी किसी ने बैट बॉल खेला है? छोटे छोटे बच्चे तेरे से अच्छा खेलते हैं, बैट को बॉल की तरह थ्रो करने की क्या जरूरत थी? बैट हवा में उड़ा के खिलाड़ी नंबर वन बनने गया था। तू दोस्त है इसलिए, वरना तुझे तो उसी बैट से ठोकता। अगर मेरे दादा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे तेरा परदादा याद दिला दूंगा गधेड़ा। सब मेरी वजह से, क्या करूं? उन्हें बचा लो। क्या हुआ? अगर अंकल जी को कुछ हो गया तो? ओ, अपने अंकल के बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, वो बुढ़ा तो बहुत पहले ही मर गया, हमेशा मेरी शादी को लेकर ताने मारता था। ये तो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसे उठा लिया, उसके मरते ही मेरा बैड लक ठीक हो गया। अगर अंकल जी को कुछ हो गया तो ये शादी टूट जाएगी, और अगर शादी टूटी तो पता क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने पैसे उधार लिए हैं इस इवेंट के लिए, अगर शादी टूट गई तो सारे पैसे डूब जाएंगे, और मैं भी। हम उनसे मांग लेंगे। सारे पैकेजेस नॉन रिफंडेबल हैं। टेंशन मत लो, कुछ हुआ तो पैसा मैं दूंगा। तुम पैसे दोगे? ठीक है, मैं इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दूंगी। सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा। डोंट वरी, इट विल बी ओके। नहीं थोड़ी देर रुक जाओ ना, तुम होगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी।
डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अरे वासु तुम? मैम, अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? मेरे हस्बैंड यहीं के हैं, ही इज आल्सो अ डॉक्टर। वो अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ अक्सर यहाँ पर आती हूँ। हस्बैंड, उषा तूने मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं। तुझे बुलाने के लिए क्या दूसरी बार शादी करेगी? तुमने कब बुलाया? मैंने याद किया पर एड्रेस नहीं था तो कार्ड कहाँ भेजूं? कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। शादी कब है? इस फ्राइडे को। ये कौन है? मैगी। एक्चुअली मेरा नाम मेघना है, लोग मुझे मैगी बुलाते हैं। वेडिंग प्लान। ओह, मिलकर अच्छा लगा। ओके, शादी में मिलते हैं। बाय अभी। बाय वासु। बाय। एक लड़की अभी और वासु अभी दोस्ती में और लोचा नहीं होना मांगता है। ही इज वेरी नॉटी। यार ढोकले की बीवी का कुछ ऐसे चुप बैठ। कौन सा शैम्पू लगा? गंदो कुत्रो। तू हंसे कुत्रो, तारी ढोकली कुत्रा के लिए मारे डिकरा को मारा। वो कुत्रा नहीं है, वो जूस है। कुटले जूस, ऑरेंज जूस की मैंगो जूस। ए, तेरा जूस बना दूंगी मैं, समझा? ओ ऐसा, बचपन में मेरे डिकरे को कुत्रे ने काटा था। बेली में 12 इंजेक्शन मारने पड़े थे। 16 मम्मी, एक्चुअली मुझे डॉग से डर। बोला ना, वो डॉग नहीं, वो जूस छे। तो क्या लगन बची, तू इस जूस को लेकर हमारा जूस बनाएगी? हाँ, जूस मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही खाएगा और मेरे साथ ही सोएगा। तो मेरे डिकरे के साथ क्या करेगी? जूस साथे लगन करी। तुम्हारे बेटे से तो अच्छा, मैं उससे शादी कर लूंगी। कुत्रो जो ये दिखो, जाओ तुम्हारो दिखो, मुझे जूस चाहिए। तो फिर लगन कैंसिल, ले जाओ कुत्रो, आओ हमारे साथ। हेलो। अरे अभी फाफड़े को चले भी नहीं मिले। मतलब? अरे मतलब शादी कैंसिल हो गई। तू कहाँ है? मैं और कौटिया घर के लिए निकल चुके हैं। और वासु? अरे वो फाफड़े के साथ रुका है। तुम दोनों अभी रिसॉर्ट आ जाओ। अरे लेकिन टिकट जो कह रहा हूँ वो करो। मुझे लगा था ये शादी ऐसी होगी कि हमें 10 और शादियों का काम मिल जाएगा, लेकिन एक कुत्ते की वजह से आगे की 10 शादियां भी रुक गई। मैं तो शुरुआत से ही कह रही थी कि ज्यादा उधारी मत लो, पर आपको तो रोज के काम के लिए 4 बोतल वोडका चाहिए। क्या कहा था? पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, नारियल, खजूर, हरी चटनी और न जाने क्या क्या, और डोसा तो भूल ही जाओ। कौन है कृतिका? बैंक से फोन आया क्या? कंगाली में आटा गीला है तो आपको क्या लगा कोई पेमेंट देने के लिए फोन करेगा? यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया अभी। मेरी जिंदगी ट्रैक्टर के नीचे रखे नींबू की तरह हो गई है। मेरे साथ आओ। असिस्टेंट, बॉस को लेकर आओ। नहीं प्लीज कृतिका। तेरे घर वाले कहाँ हैं? आधे गए आधे चले जाएंगे। तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? सत्या के साथ चला जाता। ऐसे कैसे तुझे अकेले छोड़कर चला जाऊं? पीने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए ना। माफ कर दे यार, तुम इसे इस हालत में छोड़कर जा रहे थे? वैसे भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हो ना? फाफड़े का चेहरा रसगुल्ला नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाएगा। लव यू भाई, लव यू। लड़की नहीं शादी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास दोस्त है, सच्चे दोस्त। अब सुन, प्लान चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए इधर जलसा करके ही जाएंगे। जितने भी दिन बचे हैं हम रोज पार्टी करेंगे। पापा चेक दे दो। पापा? जलसा करेंगे। लगता है हमारी पेमेंट मिलने वाली है। साई बहुत लकी है। क्यों, उसकी शादी नहीं हुई इसलिए? नहीं, उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। मैंने क्या किया? तुमने उसके लिए सबको वापस बुला लिया।
तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मैंने सबको वापस किसके लिए बुलाया पता है? वासु के लिए। वासु के लिए? साई का क्या है, दो दिन अपसेट रहेगा और तीसरे दिन फिट एंड फाइन। पर वासु ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा और वक्त लगेगा। तुम वासु का कितना ख्याल रखते हो? आखिर वो मेरा दोस्त जो है। क्या मैं ट्राई करके देखूं? क्या ट्राई करोगी? मतलब मैं बात करके देखूं? वो किसी की बात नहीं सुनेगा, और जब तक मैं उसे मना ना लूं